दोस्तों, आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमें रेडी हैं, सभी प्लेयर्स रेडी हैं, सभी टीमों ने अपना लिस्ट जारी कर दिया है, किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है, किन प्लेयर्स को आउट किया गया है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही है। ये कंफ्यूजन वाली बात मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आईपीएल 2023 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, केन विलियमसन को थैंक यू बोल दिया है। इन्होंने इस प्लेयर को ख़रीदने के लिए आईपीएल 2022 में बहुत ही बड़ा दांव खेला था, दो बड़े सितारों को, दो बड़े खिलाड़ियों को बाहर निकाला था, जिनमें से एक है राशिद खान और दूसरे हैं डेविड वार्नर। राशिद खान जाने जाते हैं क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट निकालने के लिए, दूसरी टीम को पता भी नहीं चलता वो विकेट कब निकाल देते हैं, और डेविड वार्नर बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, जब मूड में आ जाते हैं तो बड़े बड़े बॉलर्स को पानी पिला देते हैं। लेकिन इन दोनों को निकालने के बाद आखिर एसआरएच ने केन विलियमसन को भी बाहर क्यों निकाल दिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शायद उनको कोई ऐसा प्लेयर मिल गया है जो इन तीनों से भी खतरनाक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, इस बार एसआरएच के लिए कैप्टेंसी कौन करेगा, कौन कप्तान बनेगा एसआरएच का, और कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल 2023 का खिताब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।